Yes, come in. हाँ भाई विनोद, क्या बात हो गई? अरे सेब गांव से एक लड़का आया ना इंटरव्यू के लिए, तो वो आया है इंटरव्यू के लिए। हाँ तो भेज दो अंदर, ले लेंगे इंटरव्यू। ठीक है सर। ओके। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहाँ से आए? मैं घर से आया। घर से आए? बाप रे का, सब तो घर से आते। अच्छा आप घर से आए, और इधर किस चीज में आए? मैं रिक्शे में आया। अरे बाप रे का, तो बड़े उस्ताद लग रहे हो आप। और इधर कौन से डिपार्टमेंट में आए आप? किचन डिपार्टमेंट। किचन डिपार्टमेंट बोले तो कौन से डिपार्टमेंट? किचन में आया मैं। कौन से डिपार्टमेंट में? इंडियन तंदूर, चाइनीज कॉन्टी है? इंडियन चाइनीज तंदूर कॉन्टी। कौन से डिपार्टमेंट में? तंदूर में। मैंने बीच में एक बार बोला तो था तंदूर में। हाँ। अच्छा आप तंदूर में आए हो, तो तंदूर में ऐसे आप क्या क्या बना लेते हैं? आपका फेमस क्या है? जैसे कुकड़ी कबाब। कुकड़ी कबाब? हाँ। अरे बेटा ये तो कुकड़ी कबाब वही है ना जो सरिया में घोसते हैं। हाँ। अंदर को डालते हैं, इतनी इतनी टुकड़ी होती है उसकी। हाँ, हाँ ये कुकड़ी कबाब, वो तो अपना भी उत्तराखंड में भी बहुत फेमस है कुकड़ी कबाब। उसको हम पत्थर से खेल करके मारते हैं, जिसको हम भी मारते पत्थर से, पत्थर या गोली से खेल करके जिसकी। हाँ। उसकी मुंडली फेंक देते हम, जिसकी जो लंबी लंबी फेंक देते। हाँ उसकी मुंडली फेंक देते वही, फिर तंदूर में भड़िया के थोड़ा देर पर लून मर्च लगा के घोड़ा के फिर बनाते हैं वही है कुकड़ी कबाब। वो तो अपने को भी था। तुम और जैसे और क्या स्पेशलिस्ट हो आप लोग, और क्या बनाते हो जैसे? और हम मच्छी बनाते हैं। मच्छी? मच्छी बनाते हो? बनाते हैं। अरे यार तो दो तीन डिजाइन मेरे को भी दो ना मच्छी का, कैसे बनाते हैं आप? वो गाजर काट के ना। हाँ? उसमें बेट का बना के उसको डिजाइन बनाते हैं। अच्छा मच्छी भी बना ले तो खड़े खड़े। हाँ। अरे बेटा खा, ये तो बड़े सेफ लगे। पहले कौन से ढाबे में काम किए? एक्सप्रेशन। ये तो ढाबा नहीं, ये तो फाइव स्टार होटल है। तो वही होटल है, पहले उधर किया था। अच्छा ये तो फाइव स्टार होटल है। अच्छा ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तंदूर का भी है, ऑफर लेटर, चाइनीज तंदूर, इंडियन कॉन्टी। अरे आप तो बड़े सेफ निकले यार, हम तो आपको ढाबे वाले समझ रहे, तो आप तो बड़े सेफ निकले। तीन देश में, दुबई में भी काम किया आपने, और नेशनलिटी आपकी नेपाल की है। दुबई में किया, मलेशिया में किया, और थाईलैंड में, तीन जगह काम किया आपने। तो आपने तो अच्छी जगह काम किया, तो आप बोलो कि इधर तंदूर में कैसे आना हुआ आपका? तंदूर डिपार्टमेंट अच्छा क्यों लगता है आपको? इंडियन कॉन्टी, चाइनीज, ये सब है आपके पास, डॉक्यूमेंट तो बहुत है आपके पास। 12 साल का एक्सपीरियंस है आपको, 12 साल का टोटल एक्सपीरियंस है आपको। तो आपको मैं साइन करके दे रहा हूँ, आप उसके बाद हमारे एचआर के पास जाएंगे। एचआर के पास? और ड्यूटी कब से ज्वाइन करेंगे? 5 तारीख से। तो इधर के जो नियम हैं, जो रूल हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर 7 या 10 के बीच में सैलरी होगी, आपकी सैलरी रहेगी जो, और मैं आपको फर्स्ट कॉमी दे रहा, जैसे आपका वो है, ठीक है। भले आपने बहुत जगह काम किया पर फर्स्ट कॉमी दे रहा मैं, और सैलरी आपको 25,000 रुपये और जो आपकी इन हैंड आएगी 22,000 समथिंग समझ लो, माने 22,000 और 400-500 रुपये मान के चलो, क्योंकि आपका पीएफ वेफ कार्ड के पूरा जो आप CLPL जो भी है सब ऐड होके आपको 22,500 रुपये मिलेगा। 600 भी मिल सकता, वो देखते हैं किस हिसाब से। तो इस काम के लिए आप तैयार हैं? परफेक्ट हैं? तैयार है। परफेक्ट हो ना? परफेक्ट। तो हमें ऐसे बंदे की ज़रूरत है, और आप हमेशा अच्छा काम करके दिखाना इधर। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आप हमारे जगह हमारे जैसे बड़े से बन गए। आपका हर नॉलेज है, कंप्यूटर का भी नॉलेज है, ये डिप्लोमा का भी है। डिप्लोमा भी है क्या? ये डिप्लोमा का भी तो है आपके पास, ये डिप्लोमा का है ये। मेरे नहीं। ये डिप्लोमा का है आपका? डेढ़ सर
डेढ़ साल का। हाँ, तो जो भी है आपके पास जो है अच्छा करो, अच्छा वर्क दिखाओ, वर्कआउट करो, देखो सब हमारे स्टाफ है मिलजुल के रहने का, पर काम अच्छा करो। तो जैसे वो कबाब के बाद अब हो गया ये बात खत्म, आप इंटरव्यू में पास हो गए। अब कबाब के बारे में आपसे पूछते हैं कि एक कबाब है, आप बोले थे कुकड़ी कबाब, उसके बारे में फिर से मेरे को बताइए। थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ कि कुकड़ी कबाब, कुकड़ी कबाब, हाँ कुकड़ी कबाब होता ना जिसमें कुकड़ी को खा करके मारते हैं, उसके ये तरी तरी पीस बनाते हैं, ये तरी तरी पीस बनते का, अरे तंदूर में बड़े बड़े तो इन करी था तब बाप डांस भी था, अब एक बार बैन ही मान तब ला बड़ा डॉपड़ी सफर सफड़ी तब खबर सुन। तो ठीक है, आप इंटरव्यू में पास हो गए, पानी पियोगे, दारू पियोगे, दारू नहीं पीते, हाँ तो नहीं पीने का, वो चीज़ इधर अलाउड भी नहीं है, बस जो सेफ बोलेंगे वो काम करने का और काम पे ध्यान देने का, ठीक है। बाकी एक दिन हम आपका टेस्ट करेंगे वो कुकड़ी कबाब का, ठीक है। तो आप हमारे एचआर से मिलो थोड़ी देर में, वो आपको सब पूरे डिटेल दे देंगे क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, ठीक है। थैंक यू सो मच विनोद, दूसरे को भेज दियो, कौन है भेज दियो अंदर। सेठ नमस्ते। नमस्ते जी, कहाँ से हो जी? सेठ मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड, वाह क्या प्लेस है बाप रे, देवभूमि उत्तराखंड, अच्छा। इधर कैसे आना हुआ सर जी? सेठ मैं जॉब के लिए आया हूँ इधर। जॉब के लिए जी? किस चीज़ में जी? सेठ मैं आया तो इंडियन के लिए हूँ जी। सेठ मिलेगा जॉब? क्यों नहीं मिलेगा आपके पास? सेठ अगर कोई और में वैकेंसी खाली हो तो मैं किसी में भी कर लूँगा। चाइनीज में है, इंडियन में है, कॉन्टी में है, तंदूर में है, वैकेंसी तो हमारे पास है, अवेलेबल हमेशा रहती है। पर आप किस चीज़ में इंटरेस्ट करते हो? सर मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर के पास, माने आप ऑलराउंडर हैं तो हमारे पास भी चार ऑलराउंडर हैं। सेठ मैं घर में क्रिकेट भी खेलते हैं, गांव में वॉलीबॉल भी खेलते हैं जी। सेठ ऑलराउंडर बोले तो वॉलीबॉल भी खेलते हैं? नहीं ऐसा वाला ऑलराउंडर नहीं, मैं घर में मतलब दाल भात रोटी सब बना देता हूँ। अच्छा जी सर, तो अभी माने कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? सर मैंने एक महीना काम किया है अभी बस। एक महीना जी सर। तो आप एक काम करो ना, मेरी जगह बैठ जाओ, मैं आपकी जगह आ जाता हूँ, आप नहीं, मेरी जगह। नहीं नहीं सेठ नहीं, अरे ऐसी क्या बात है, आपने एक महीने काम किया बोले तो ये बाप रे, मैंने कैलाश पर्वत उखाड़ दिया आपने, जैसे हनुमान जी ने संजीवनी उठाया वैसे आपने कैलाश पर्वत उठा दिया। सेठ मेरे को जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेठ मिलेगा जॉब आपको, उस चीज की टेंशन मत लो जी। पर जैसे आप बोले ना एक महीने जॉब किया बोले तो मेरे को लगा कि आपने कैलाश या संजीवनी उखाड़ के आ गई इधर। सेठ मेरे को दाल भात बनाना सब कुछ आता है, रोटी बनाना भी आता है। तो वो तो घर में बनाओ ना, इधर काहे को बना रहे हो जी? सेठ बनाऊंगा ना, इधर भी बनाऊंगा दाल भात जी। तो हम आपको दाल भात के लिए रख दें खाली जी। है जी, सब्जी कौन बनाएगा? चाचा सब्जी भी बना देंगे सर। प्रताप चाचा को बनाएंगे सब्जी? नहीं नहीं नहीं, हाँ? सब बना देंगे। नहीं नहीं, सब्जी कौन बनाएगा? सब्जी दाल भात बोला आपने तो चाचा सब्जी बनाएंगे ऊपर से, उनके लिए भी हमारा एक कमेंट है वो चाचा के लिए। हाँ। कि कसम से दाल भात इधर से बनेगा, सब्जी चाचा बनाएंगे ऊपर से। नहीं नहीं सर, बना दूंगा। बाकी सैलरी कितनी मिलेगी सेठ आपके? सैलरी तो 1-1.5 लाख रुपए नहीं दे सकते हम जी। जी जी, 1-1.5 लाख मेरे को चाहिए भी नहीं। तो 14-15 इतना कम? तो एक काम करो, आप मेरी जगह बैठ जाओ, मैं आपकी जगह इंटरव्यू देने आता हूँ। देखो आप नए बंदे हैं। नहीं नहीं नहीं, चलेगा चलेगा, 14-15 चलेगा। अभी आपको काम सीखना, आगे प्रोग्रेस करना है, इसलिए हम आपको बोले थोड़ा काम देख लो, सीखेंगे समझेंगे विचार करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेगा। आदमी का ये क्या होता है, ये फिंगर है, फिंगर में बोले तो छोटा बड़ा और ये बीच का फिंगर है ना, ये मैनेजमेंट करता है आदमी को। मैनेजमेंट बोले तो आदमी की स्थिति होती है इस पे, स्थिति बोले तो इसमें आदमी का क्या होता है कि मैनेजमेंट होता है, आदमी बीच में एक बार अटकता है, इसलिए ये उंगली बड़ा बनाया। बाकी सब फिर ये है लास्ट में ऐसा आदमी आता है बूढ़ा। ठीक है सेठ, कब से आऊँ फिर मैं? आपको आने की जरूरत नहीं है, पूरा हम बुलाएंगे फिर भी। फिर भी मेरा नंबर लिख लो सेठ। नंबर लिखेंगे पर मैं लिखता हूँ
7618247274। तो जैसे भी हमारा, मैं थोड़ा अपने सीनियर से बात कर लेता हूँ एचआर में जी, वो जैसे भी आपको मैंने वही फ़ोन करेंगे, मैं तो नहीं कर रहा, आपका इंटरव्यू होगा, आपको ट्रायल देना पड़ेगा एक। ठीक है, दाल भात बताऊँगा ना सर। हाँ, दाल भात, दाल दुनिया में सबसे बेस्ट चीज है दाल भात, और सबसे जो राष्ट्रीय खाना है। वैसे मैं और भी चीज बनाता हूँ, जैसे कापला भात हो गया, कंडाली का साग हो गया, भाड़ू हो गया, रेट हो गया, सब बना दो सेफ में। अरे इधर बैठ जाओ यार, इधर बैठ जाओ आप कसम से। अरे नहीं नहीं सेफ में बैठ रहा हूं। अरे इधर बैठो कपला। अरे मैं तो सोच रहा हूँ मैं इंटरव्यू के लिए कपला बात कौन ही कपल चिंचुड़ हुई। अरे सेफ आप जानते हो ये डिश? अरे यार हम उत्तराखंड में फेमस है। क्या बात कर रहे हो सेफ, आप उत्तराखंड से हो? हाँ जी, हम उत्तराखंड से। फिर तो मेरी ये जगह पक्की है सेफ। मेरी नौकरी मत खाना, पर हम आपको दे रहे हैं कोणी कपलू छिंचुड़ू फाणू छिंचुड़ू। ये पौधे की रोटी भी बनाऊंगा सेफ। हैं? अरे ये तो कसम से आपने तो दिल खोल दिया। पौधे की रोटी भी बनाऊंगा सेफ। ये लो, और ये हमारा आज से। तो मेरे को मतलब कौन सी पोस्ट मिल रही है मास्टर सेफ की? मास्टर सेफ है आप? हाँ। जब आपको कोणी आता है, छिंचुड़ू आता है, कोणी फाणू आता है, चौंसू आता है, और पोलियो आता है, सब आता है। बस 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 वही चाहिए हमें, ऐसे ही बंदे की तलाश थी। आज से आपकी ड्यूटी पक्की। थैंक यू सेफ। हैं? फिर मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे ना, कल से आप ड्यूटी ज्वाइन कर लो। सैलरी रहेगी आपकी 45,000। थैंक यू सर, धन्यवाद। मैं अच्छा आपसे बात करता हूँ, और वो थैंक यू सो मच। मेरी वटले की नौकरी हो सुआ बिराणा देश मां।